लकोहरा में चुनावी सभा करने गए लालू प्रसाद यादव मंच पर पंखा गिरने के बाद बाल बाल बच गए। जहां पंखा गिरा उसके नीचे लालू प्रसाद यादव बैठे थे, पंखा लालू के हाथ पर गिरा। इसके बाद लालू ने ऑर्गेनाइजर्स को जमकर फटकार लगाई। मुंबई के कोडला में होटल में सिलेंडर विस्फोट हो गया। विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग आग की चपेट में आने से घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग NAJC को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ जजों की नियुक्ति और तबादलों में सरकार की भूमिका भी खत्म हो गई है। अब कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। कोयला घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मधु कोड़ा की अर्जी खारिज कर दी है। मधु कोड़ा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जयपुर दौरे पर केंद्रीय खान मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि खादानों का आवंटन अब नीलामी के जरिए होगा। तोमर ने कहा है कि नवंबर महीने से खानों की नीलामी शुरू की जाएगी। सूबे में निवेश के लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। खनन और ऊर्जा क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए 50,527 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। खान विभाग महाघूस कांड के आरोपियों की उदयपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपियों को 29 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया। आरोपी आसाराम को सुनवाई के लिए जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद आसाराम ने फिर से अपनी बीमारी का राग अलापा और कहा उनकी बीमारी भयंकर है, कैंसर की आशंका हो रही है, बीमारी का इलाज यहां नहीं बाहर है। बूंदी ADJ कोर्ट ने जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2003 में कोडिया गांव में आपसी रंजिश के कारण दूसरे पक्ष के एक शख्स के हाथ पर काट दिए थे। हनुमानगढ़ पुलिस ने ठगी के आरोपियों को रतनगढ़ से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। इस आरोपियों ने हनुमानगढ़ में 40 लाख की ठगी से पहले चूरू जिले के रतनगढ़ में लाखों रुपए की ठगी की थी। तारानगर पुलिस ने 10 महीने में हुई कई चोरियों के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने करीब 2 लाख के माल पर हाथ साफ किया। आरोपी आदतन चोर है, इन पर कई मामले दर्ज है। राजगढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट, 50 पेटी जिलेटिन छड़ और 4 पेटी डेटोनेटर लाल फ्यूज वायर के भी जब्त किए हैं। बूंदी के नैनवा उपखंड के देई में राशन के गेहूं को प्रशासन ने पकड़ा है। प्रशासन ने गेहूं और जौ से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बाजार में गेहूं और जौ के बिकने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सरसों के तेल को जब्त कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भी भरे हैं। जयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने पुलिस की मौजूदगी में मैंगो होटल के अवैध निर्माण को गिराया है। निगम अधिकारी ताले तोड़कर होटल के अंदर दाखिल हुए। निगम के CEO ने कहा कि अतिक्रमण को हर हाल में खाली करवाया जाएगा। अलवर के घोड़फेर चौराहे पर एक निजी कंपनी के 4G टावर लगाए जाने का लोगों ने विरोध किया और टावर का कार्य रुकवा दिया। साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों से शिकायत की। जयपुर की जमुआ रामगढ़ तहसील के लोगों ने पेशरी ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पेशरी अधिशासी अभियंता का घेराव कर उनके सामने मटके फोड़कर विरोध जताया। अधिकारियों ने आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। जयपुर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने वेतन के लिए हवा महल जोन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों से वेतन की मांग की। पाली के सुमेरपुर में जवाई जल वितरण समिति की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि जवाई बांध से फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को 3800 MCFT पानी मिलेगा। बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर भरतपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें भरतपुर के अलावा धौलपुर करौली के पुलिस और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर के जिला परिषद सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। शिविर में 7 पंचायत समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 दिन की ट्रेनिंग ली। टोंक पंचायत समिति के अरनिया केदार गांव में 22 दिनों में 686 घर में शौचालय का निर्माण कर ODF घोषित किया है। घर घर शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रूपए का सहयोग राशि दी जा रही है। उदयपुर में साल भी बर्ड फेयर 2015-16 आयोजित किया जा रहा है। यह बर्ड फेयर 8-9 और 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कई लोग भी शिरकत करेंगे। विदेशों में कमजोरी के रुख और सटोरियों के मुनाफा वसूली के कारण वायदा कारोबार में सोने की कीमत 0.43% की गिरावट के साथ 27,307 रूपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन खिलाड़ी 26 साल की सारा टेलर क्रिकेट में अलग तरह का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। शनिवार को जब वो मैदान में उतरेंगी तो पुरुषों के ऑस्ट्रेलियाई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन जाएंगी।
4 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म हिट स्टोरी 3 का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर में करण ग्रोवर, जरीन खान, शर्मन जोशी हॉट पोज में नजर आए।